अहम तरीन अपडेट से आपको आगाह करने जा रहे हैं और ये अपडेट है तमाम तलबा और तलबात के तालीमी इदारों के हवाले से। यहाँ पर आपको बड़ी अपडेट से आगाह करने जा रहे हैं और ये अपडेट है तमाम तलबा और तलबात के रमज़ान मुबारक 2023 की छुट्टियों के हवाले से, तातीलत के हवाले से आपको यहाँ पर बड़ी अपडेट से आगाह करेंगे कि तमाम तलबा और तलबात को 2023 के अंदर कितनी तातीलत, कितनी छुट्टियाँ दी जाएंगी और इसके साथ साथ तमाम तलबा और तलबात को यहाँ तक बड़ी अपडेट से आगाह करते चलें कि रमज़ान में कितने रोज़ जो है वो स्कूल बंद होंगे, किस वजह से होंगे, क्या तफसीलात हैं। मुकम्मल तफसीलात जानने से पहले तमाम बच्चों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बड़ी अपडेट से आगाह करते चले और ये अपडेट है एक मतलब फिर से बच्चों की मोजे लगने के हवाले से। रवां साल रमज़ान मुबारक 2023 में जो स्कूल है सरकारी और निजी, उसमें एक मतलब फिर से बड़ी और आम अपडेट सामने आ चुकी है। यहाँ पर आपको बड़ी अपडेट से आगाह करेंगे और ये अपडेट है छुट्टियों के हवाले से। आपको बड़ी अपडेट से आगाह करते चलें कि सालाना इम्तहानात जो है वो 17 मार्च तक हर हाल में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद तमाम तलबा और तलबात को 13 रोज़ यानी 31 मार्च तक अपने रिजल्ट का इंतजार करेंगे, उस दौरान छुट्टियाँ होंगी और 7 रोज़ मजीद मौसम बाहर की छुट्टियाँ सरकारी स्कूलों में दी जाएंगी। तो टोटल मिलाकर 15 से 16 रोज़ रमज़ान का महीना 22 से शुरू हो रहा है, तो उसके अंदर ये छुट्टियाँ होंगी। 15 से 16 रोज़ रमज़ान मुबारक के अंदर तमाम तालीमी इदारे जो कि छोटी क्लासों के हैं वो बंद होंगे।